इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं आज आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि ओम मेडिटेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं कि ओम मेडिटेशन को हम आज से नहीं करते आ रहे, पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, कितनी सदियों से, कितने सालों से हम करते आ रहे हैं। किसी को नहीं पता किस इंसान ने या किस संस्थान ने इस पर्टिकुलर मेडिटेशन की जो क्रिया है, जो फॉर्म है, इसका आविष्कार किया, इसको इन्वेंट किया। लेकिन हमें इतना पता है कि ओम मेडिटेशन से हमें एडवांटेज या बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। अब बात आ जाती है कि ओम शब्द में ऐसा क्या है जिसकी मदद से हमें इतनी हेल्प मिल जाती है, स्पेशली अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं। तो इसको कोरिलेट करने के लिए मैं एक आपको एक और वीडियो का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उस नासा कंपनी है जो यूएसए की है, जो स्पेस रिसर्च करती है, तो उन्होंने 2 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे उन्होंने सूरज की वाइब्रेशन की, यानी कि सन की जो वाइब्रेशन होती है उसकी ध्वनि कैसी होती है, उसकी साउंड कैसी होती है, वो कैप्चर किया था। अब इस समय जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस्ड जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मदद से जितनी भी फ्रिक्वेंसी की जो साउंड हम कैप्चर कर सकते थे वो हमने कैप्चर करी। और उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दिया, तो आप बाद में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जब आप उसको खोलेंगे तो आप हेडफोन्स लगाना ना भूलें, हेडफोन्स लगा लेना, उसमें आप सुनेंगे कि जो सूरज की वाइब्रेशन है उसकी आवाज़ इस प्रकार है, हम ऐसी, इतनी क्लियर नहीं है लेकिन हाँ, हमिंग साउंड की वाइब्रेशन उसमें आती है। अब मैं बात करता हूँ ओम शब्द की। अब जो ओम है, हम इसको 2 तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। एक, जब हम ओ छोटा बोलते हैं और म को खींच देते हैं, यानी कि ओम, म को खींचा, और एक में हम ओ को ज्यादा खींचते और म को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओम। ये दोनों में जब हम म का उच्चारण करते हैं तो म के स्टार्टिंग में म की आवाज आती है, उसके बाद तो हमिंग साउंड ही आती है, हम, यानी कि ओम, हमिंग साउंड दोनों में है। सूरज जो है वो इस धरती पे लाइफ को चलाने में वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। सूरज की वजह से हमारा सर्वाइवल है, जानवरों का सर्वाइवल है, पेड़ पौधों का सर्वाइवल है, फसलों का, हर चीज़ का सर्वाइवल बेसिकली सूरज की मदद से ही है। सूरज इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सूरज हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम सभी को पता है। इसका एडवांटेज कितना है वो हम अच्छे से जानते हैं। जब सूरज की वाइब्रेशन है, जो चीज़ जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, उसकी वाइब्रेशन को अगर हम यहाँ घर बैठे ही उच्चारण करते हैं तो उसका बेनिफिट इंटरनली भी तो हमारे ऊपर होगा, और सिर्फ इंटरनली ही नहीं, फिजिकली भी जब आप करेंगे तो उसका भी बेनिफिट आप लेंगे। क्योंकि ओम शब्द जो है ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म का शब्द नहीं है, ओम शब्द एक वाइब्रेशन है। इसको कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो उसको प्रयोग कर सकता है। तो हम अगर ये बोले कि ओम शब्द सिर्फ एक धर्म का है तो वो हमारी छोटी सोच हो जाएगी, ऐसा हमने नहीं करना। ये किसी एक धर्म या एक समुदाय के भले के लिए नहीं, सभी के भले के लिए एक ध्वनि है जिसके ऊपर अधिकार हम सभी का है। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसा मैंने 2 तरीके की वाइब्रेशंस आपको सुनाई, यानी कि ओ बड़ा और म छोटा और ओ छोटा म बड़ा, इनमें से जो भी टाइप आप यूज़ करना चाहें अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। दिन में केवल 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, डेफिनेटली करें, आप करेंगे आप देखेंगे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आपको सर दर्द है, बदन में दर्द है, जुखाम है, गले में दर्द है, अंदरूनी अगर मैं बोलूँ इमोशनल रूप से आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में आपको ओम मेडिटेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए देखो 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप इस मेडिटेशन को कभी भी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन 2 टाइम ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही, जस्ट उठते ही आँख खोलते हो उस समय 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो, तब बिस्तर से बाहर निकलो, और रात को सोने से जस्ट पहले। अब हम सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, जब फ़ोन यूज़ करके थक जाओ ना, फ़ोन जब साइड में रख दो तब ओम मेडिटेशन करना, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं करनी। इन 2 टाइम पीरियड पर तो डेफिनेटली करो। इसके अलावा जब जब आपके पास स्पेयर टाइम, खाली समय निकलता है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। रोज़ करोगे तो आप देखोगे जब 1 टाइम मेडिटेशन में इंस्टेंट रिलीफ जब हमें फिजिकल पेन में मिल जाता है,
जब हम इसको लाइफ लॉन्ग करेंगे, हर रोज 10 से 15 मिनट ही सही अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें लाइफ लॉन्ग मिलेगा। तो इसलिए ओम मेडिटेशन करना बहुत ईजी है, कोई मेडिटेशन कैंप में नहीं जाना, किसी को कोई पैसे नहीं देने, सबकी प्रॉपर्टी है, फ्री की प्रॉपर्टी है, घर बैठे डेली मेडिटेशन करें तो आप देखेंगे इसका बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज हमने ओम मेडिटेशन के ऊपर बात करी है कि क्यों मेडिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर हम इसमें ओम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो इसलिए मेडिटेशन को डेली करें, रेगुलर बेसिस पे करें। बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं, मेरा नहीं, किसी और का नहीं, सिर्फ आपका बेनिफिट होगा, तो इसलिए डेली करें। तो आज की वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।